बेबू का हेयर पापा ने इतना अच्छा बना दिया कि अब बेबू बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं मम्मा को कि पापा ही बनाएंगे, क्योंकि पापा बना देते एकदम सिल्की स्मूथ। वेरी नाइस। आपको आराम से स्टोरी सुनाता हूँ मैं स्टडी कैमरा में, सुनो अभी स्टोरी। शिप एक तो शिप चल रहा है, ठीक है, शिप चल रहा है तो वाइब्रेट हो रहा है। इतने दिन से आप लोग एंकरेज पे थे, शिप रुका हुआ था तो आपको ये वाइब्रेशन वगैरह कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। पता है आपकी मम्मा मेरे साथ शिप पे आई थी, कब आई थी, 2011 में फर्स्ट टाइम शिप में आई थी, शादी के बाद, शादी हुई थी 2010 में एंड में नवंबर में, 2011 में शिप में आ गई थी। शिप में आते ही केविन बोलती है वाह कितना अच्छा है, क्योंकि पहले पूरा फैमिली विद पेरेंट्स 1 BHK में उल्लासनगर में रहता था, और जब हम शिप पे आए हमें मिला डे रूम बेडरूम, मतलब हमारा शिप का जो कैबिन है वो घर से बड़ा, और यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी वाइफ, तो वी टू बी वेरी हैप्पी। और फिर क्या हुआ, पापा ने कमा लिए बहुत सारे पैसे इतने सारे साल में, फिर आप भी आ गए और अब हमारा घर हो गया स्पेशियस 4 बेडरूम का घर हो गया। तो अब जब हम शिप में आते हैं तो हमें शिप का कैबिन और बेड और सब कुछ बहुत छोटा लगता है, जो कि ये लोग फील कर रहे हैं काफ़ी दिन से छोटा है, बट ठीक है एडजस्ट हो गए, यूज टू हो गए। मेन बात है कि यहाँ पे पापा तो हैं साथ में, है ना। चलो डिनर टाइम, लेट्स गो। इसमें वही स्वीट डिश है जो आज बहुत खा रहे हो आप, फ्रिज खोल खोल के रोज एक आइसक्रीम ले जा रहे हो, खत्म हो गया है फ्रिज में आइसक्रीम, चेक करो। ये तो कस्टर्ड है, बट फ्रिज से आइसक्रीम लेके रोज खा रही है ना, संडे वाला आइसक्रीम पड़ा रहता है, कोई खाता नहीं है। बेबू ले के रोज खा रहा है। हां रुको, ओ खत्म ना। दो ही बचे। चलो मशरूम बना इतने दिन बाद। जब से बेबू आया है, एंकर था तो शिप चल नहीं रहा था, हम लोग शाम को वॉक तो कर रहे थे। ओ विंडी बेबू, नाउ शिप इज मूविंग, लुक एट दैट बल्बस नाउ कटिंग थ्रू द वाटर। नो नो नो, सी सी, नो आई विल होल्ड, आई डोंट वांट टू। ऐसे देखेगा, ऊपर से रिकॉर्ड करो आप। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। नहीं सकते है ना, क्या है? मेरे पे गुस्सा है? नहीं हाँ। बेबू बोलता है ऐसे पकड़ो कि इतना भर भर के गुस्सा आया, इतना भर भर के इसकी टाइट पकड़ो। नहीं मैं उधर नहीं है, अब जैसे डालूंगी। हाँ ठीक है, जैसे देखना वैसे देखो, थोड़ा सा अंदर बस इधर, ठीक है। पानी ये bond issue, chalo come from the bond store bebu, nothing here. Ooh, lots of chocolates, do you want any of that? Peanut soft drink. How do you have queue all the stores, how do you have a stationery store also and this bond store also and that store also and this store also? Bebu, captain and chief officer has the master key on ship, and that master key is capable to open any door on ship. Any door? Yes. बॉन्ड इशू हो गया है। क्या लाया? गा गा गा। क्या बोला? गा गा गा। अब भी 4 महीने से मैं यहाँ ब्रिजविंग पे अकेले हॉट वाटर पी रहा था, और अब मेरे पास है इतनी प्यारी कंपनी मेरे साथ हॉट वाटर पीने के लिए और मुझे परेशान भी करने के लिए, करेक्ट। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और बहुत ही गंभीर मूवी चल रही है। इन्होंने 2-3 मूवी ट्राई किया है, कोई भी पसंद नहीं आया। उसके बाद अभी एक जहाज का एसी कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया लगता है। हाउ इज द शिप्स एसी बेबू? नो रिप्लाई। डोंट सिट ऑन मी। सो फिलहाल हम देखेंगे अबाउट 1.5 घंटा मूवी और उसके बाद सो जाएंगे। हाउ इज योर स्टे ऑन बोर्ड गोइंग ऑफ? गुड। मतलब कैसा चल रहा है? छुट्टी चल रहा है। प्लेट सुखाने वाला रूम बन गया है मेरा रूम, कपड़े सुखाने वाला रूम बन गया है मेरा रूम, योगा रूम बन गया है, और मेरा रूम स्टडी रूम बन गया है। स्टडी करने वाला जगह मैट रखती है,
यूज हो जाएगा तो क्या होगा? घा। अरे मेरे को तो हिंदी भी आता है। घा के साथ ई यूज होगा तो क्या होगा? घी। यू आर अर्निंग नथिंग, आई एम पेइंग फॉर योर स्कूल क्लोथ्स ऑल योर एक्सपेंसेस, दैट्स गुड एनफ। ओके, ब्ला ब्ला ब्ला। हिंदी पढ़ रहे हो ना तो हिंदी बोलो, क्या पढ़ रहे हो? क ख ग घ, मैं तो भूल चुका हूँ काफी कुछ। बेबू क ख ग घ क ख ग ग जो नहीं क्या बोलते हैं, हां चो च छ ज पापा वा, और आपको बिना देखे नहीं पापा, देखो ऐसे फ्री में पापा बन गया ना। Are you enjoying? Yes. The salt water, very easy to swim. Yeah. Okay, stay fit. Jai Hind. I'll see you in the next one.